देखिए, हम कहते हैं ना कि चालबाज चाल चलने से बाज नहीं आते हैं, तो ये मेरे लिए कोई नवीन बात नहीं है कि गौरा चाल पर चाल खेले जा रही है। मेरे लिए सबसे अहम बात है मेरी पोतियों का, यानी विद्या और मीरा की सुरक्षितता। और कहीं ना कहीं अब मैं गौरा की दुष्टता को बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ, और वो बलि देना चाहती थी मूक पशु का, बकरी का, मैंने उसे रोक लिया था और उसे सबक सिखाया। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही बुरी तरह से बिफर चुकी है, और अब वो जान लेने पर आमदा आन पड़ी हुई है, और मैं उसे किसी भी कीमत में कामयाब नहीं होने दूंगी। तो उसी सिलसिले में हम विसर्जन तक पहुंच गए हैं, चूंकि गौरा ने ये कह दिया है कि वो, मैंने उसे बकरी की बलि नहीं चढ़ाने दी, तो अब वो विद्या और मीरा दोनों में से किसी की भी बलि देगी, और ये तो आप जानते ही हैं मेरे प्यारे दर्शक कि मैं कभी होने नहीं दूंगी। तो बस इसी सिलसिले में यहाँ पहुंच गई हूँ, और ये अवश्य कहूंगी कलयुग है, अंतिम चरण पे है कलयुग, और गौरा जैसे दुष्ट लोग भी इस युग के प्रतिनिधित्व करते हैं, और कहीं ना कहीं अब बस पाप का घड़ा भर गया है। अब छोड़ूंगी नहीं गौरा को, माँ जगदम्बे की सौगंध, तो जान से मार दूंगी उसको।